हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कांच ग्लास का टी लाइट कैंडल होल्डर। सो आपको इस तरीके का ग्लास ले लेना है। आप कोई भी आपके पास कांच के ग्लास हो, जिस तरीके की डिज़ाइन हो, आप ले सकते हो। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ग्लू गन के थ्रू मैं यहाँ पे लैस लगा रही हूँ इसके टॉप पे। इस तरीके से किनारे से आपको लैस लगा लेना है। आप इस पे आप A4 शीट पेपर भी लगा सकते हो, कलरफुल जो पेपर्स आते हैं, या फिर आप इसमें ओल्ड बैंगल्स भी लगा सकते हो ऊपर ऊपर, बहुत ही प्यारा लगेगा। बट अगर आप लैस लगाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लैस लगा दिया है। बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाता है और काफ़ी सुंदर लगता है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लिटर फॉर्म शीट लिया है और इसको मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। कोई भी आप फ्लावर शेप भी कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके का शेप ले लिया है, फ्लेम शेप कट किया है। देन इसको भी हम स्टिक करेंगे। तो आपको थोड़े थोड़े जगह को छोड़ करके इस तरीके से पूरे राउंड शेप में इसको स्टिक कर देना है। तो आप इस दिवाली इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा बन करके रेडी हो जाता है और झटपट से बन जाता है। सो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है। देन इसके बाद आपको क्या करना है कि आप इतने पे ही छोड़ सकते हो, बट मैं इसके किनारे किनारे मैं यहाँ पे गोल्डन मोती लगाऊंगी, यहाँ कॉर्नर पे गोल्डन मोती लगाऊंगी, जिससे और ये देखने में ज़्यादा ही प्यारा। सो गाइज, बस हो गया, इतना बहुत है। इसको हमने इस तरह से डेकोरेशन कर दिया। आप इसके और भी ज़्यादा डेकोरेशन कर सकते हो, बहुत कुछ इसमें यूज़ कर सकते हो, बट मैंने इतना ही किया है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कैंडल रख देना है। अपना टी लाइट कैंडल होल्डर बनके रेडी हो गया और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा देखने में लग रहा है। तो आप इस तरीके से बना करके अपने टेबल को डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, अच्छे से बनके रेडी हो जाता है और फटाफट से बनता है। सो गाइज, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर। Yeah.